इसका मतलब होता है लोन पेयर डोनर, और डोनर टेंडेंसी, लोन पेयर देने का टेंडेंसी का हम यहाँ पे बात करते हैं। तो रेजोनेंस जो होता है वो डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ, रेजोनेंस जो होता है वो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि डोनर जो होगा मीन्स वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और एक्सेप्टर जो होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। अब देखो NH2 के रिस्पेक्ट में NO2 जो है वो पारा पोजिशन पे और यहाँ पे माइनस एन का काम करेगा। NH2 के रिस्पेक्ट में क्लोरीन जो है पारा पोजिशन पे और माइनस आई, चूंकि यहाँ रेजोनेंस में नहीं जाता है, यहाँ पे माइनस आई का काम करेगा। CH3 के पास प्लस आई होता है और OCH3 के पास प्लस एम होता है, ये दोनों डोनर का काम करेगा। ये बढ़िया डोनर है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन हो जाएगा आपका थर्ड का, चूंकि ये वीक डोनर है। ये दोनों एक्सेप्टर है, ज्यादा घटा देगा, ये सबसे कम एक का है, उससे पहले दो का। इसमें देखिए इधर क्या है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि NO2 लगा हुआ है, ऑर्थो पे माइनस आई और माइनस एम होता है, यहाँ पे माइनस आई का काम करेगा, पारा पे माइनस एम और माइनस आई, और वहां पे NH2 इस तरीका से वर्क कर रहा है। अब हमको ये बोलना है कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ का हम बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो चार का होगा, सबसे ज्यादा चार का होगा। अब ये तीनों में चेक करना है आपको कि किसका ज्यादा हो जाएगा। तब देख लेते हैं, ये दोनों में आप बात कर लो कि एक्सेप्टर, ये बढ़िया एक्सेप्टर ज्यादा घटा देगा, उससे पहले हो जाएगा दो का, अंदेन हो जाएगा तीन का, अंदेन हो जाएगा एक का, इस तरीका से, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टर लगा हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट है, तो यह माइनस एम कॉमन हो जाएगा, और इसके वजह से हम बोल देंगे कि इस तरीका का वर्क यहाँ पे कर लेगा। नाउ आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये ग्रुप जो है वो प्लस आई है और हाइपर कंजुगेशन का काम कर रहे हैं, ये जो ग्रुप है आपका वो प्लस आई का काम कर रहा है, और यहाँ पे ये ग्रुप है जो प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन का काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर का बात करते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हम यही बोलते हैं कि लोन पेयर डोनर का काम करना चाहिए, है ना, लोन पेयर डोनर का काम करेगा। डोनर कहाँ पे अच्छा है, तो सबसे अच्छा हो जाएगा तीन का, इसका सबसे अच्छा हो जाएगा तीन का, क्लियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, है ना, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे एक नंबर का, देन दो नंबर का, एंड देन चार नंबर का, क्लियर। इस तरीका से हम लोग ये काम करेंगे। यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर चेक करना है, तो आप ये समझो कि अमोनिया है, ये मिथाइल अमाइन, इसको हम बोलेंगे कि 1 डिग्री अमाइन है ना, ये ग्रुप को हम बोलेंगे कि 2 डिग्री अमाइन है, और ये ग्रुप का हम बोलेंगे कि 3 डिग्री अमाइन है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर किसका अच्छा होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ गैस फेज में आपको पता है कि CH3 डोनर का काम करता है। डोनर मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मीन्स इसको बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स फर्निश करना चाहिए। डोनर जो होता है डोनेटिंग पावर को बढ़ा देता है, मैंने बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा डी का, देन सी का, देन बी का, देन ए का। और यहां पे हम बात कर लेंगे इसमें प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो यहां पे हो जाएगा सबसे ज्यादा सी का, हाँ SPTA हम लोग याद कर लेते हैं, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में SPTA ऑर्डर को आपको याद कर लेना है। सेकेंडरी का सबसे ज्यादा इसका, देन प्राइमरी का मीन्स बी का, है ना, सेकेंडरी प्राइमरी, देन टर्सियरी का, डी का, एंड देन ए का, इस तरीका से बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इन प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट ये हो जाएगा। अब बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हम सीधे बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, यहाँ पे मीडियम नहीं दिया गया है, तो अगर क्वेश्चन में मीडियम नहीं दिया गया है तो हम लोग बोलते हैं वही ऑर्डर लिखेंगे जो प्रोटीन पोलर सॉल्वेंट वाला होगा। तो इसको हम लोग यही सेम ऑर्डर कह देंगे, सी का, बी का, एंड डी का, एंड देन ए का, क्लियर। तो आपको ये समझ लेना है कि बेसिक स्ट्रेंथ अगर मीडियम वहां लिख दे गैस फेज में, तो सबसे ज्यादा टर्सियरी का होगा, देन सेकेंडरी का, देन प्राइमरी का, देन अमोनिया का। अगर मीडियम दिया रहेगा कि प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट का बेस्ट एग्जांपल होता है वाटर, या प्रोटिक मींस क्या, हाइड्रोजन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से अटैच होता है तो उस सॉल्वेंट को हम बोलते हैं प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। तो इस तरीका से ऑर्डर हो जाएगा SPTA। SPTA को हम लिख सकते हैं, SPTA को लिख सकते हैं 213A, मैंने सेकेंडरी का, प्राइमरी का, टर्सियरी का, देन अमोनिया का। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ पे होना तो चाहिए था इसी का ज्यादा, चूंकि यहाँ तीन तीन डोनर लगा हुआ है, यहाँ दो डोनर लगा हुआ है, तो जरूर इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा होगा इससे। लेकिन यहाँ पे हो गया है रिवर्स में, हो गया इसी का ज्यादा इससे, ऐसा क्यों,
तो यहां पे हम लोग इसको ऐसे मेंशन करते हैं कि थ्री डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है किससे, टू डिग्री अमाइन से। तो इसके पीछे रीजन ये हो जाता है, टू डिग्री से तो कम होता है या साथ साथ वन डिग्री से भी कम हो जाता है। तो इसके पीछे रीजन ये हो जाता है कि यहां पे तीन को बड़ा ग्रुप प्रेजेंट होता है इसके एक्टिव साइड पे, जहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे, उसके एक्टिव साइड पे तीन को बल्की ग्रुप प्रेजेंट है जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, सील कर लेता है, बांध लेता है, जो आगे निकलने नहीं देगा। जब आगे निकल नहीं पाएगा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम जाता है। फिर से सुन लीजिए, इरेगुलर बिहेवियर ऑफ थ्री डिग्री अमाइन का इरेगुलर बिहेवियर हो जाता है, मैंने जो होना चाहिए वो नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा ग्रुप अवेलेबल है जो क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को सील कर लेता है, आगे निकलने नहीं देगा, यानी इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन इसका हो जाएगा, देन इसका हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इसका हो गया, देन इसका हो गया, देन टर्शियरी का, देन अमोनिया का। इस तरीका से एसपीटीआर पाउडर याद कर लो मिथाइल के केस में। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं इथाइल का केस है, अमाइन नाइट्रोजन से दो कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आप इथाइल का केस को कंसिडर कर लेते हैं। और बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा अगर गैस फेज में बोलेगा, मीडियम दे देगा, तो आपको तो डी का ज्यादा होगा, देन हो जाएगा सी का, देन हो जाएगा बी का, एंड देन हो गया ए का। लेकिन अगर हम मीडियम लिख देंगे बेसिक स्ट्रेंथ और प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, या मीडियम नहीं लिखे क्वेश्चन में, सीधे बोल दे कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इसका क्या होगा, तो हम लोग वही ऑर्डर लिखते हैं जो प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट वाला होगा। और यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर जाता है, यहाँ ऑर्डर हो जाता है एसटीपीए, है ना, एसटीपीए हो जाता है। सेकेंडरी का सबसे ज्यादा होता है, मैंने बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऐसे लिख देते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इन प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा सेकेंडरी का, सेकेंडरी मीन सी का, हाँ, देन टर्शियरी का डी का, देन प्राइमरी का बी का, एंड देन ए का। अगर मीडियम नहीं भी लिखा रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको ऑर्डर यही लिखना होगा। यहाँ पे इसको हम लोग याद रख लेते हैं 231A, है ना, सेकेंडरी टर्सियरी अमोनिया, नहीं, सेकेंडरी टर्सियरी वन डिग्री अमाइन देन अमोनिया। अगर मीडियम क्वेश्चन में नहीं दिया रहा है, सिंपल बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बोले, तो हम लोग यही ऑर्डर लिखते हैं। तो आप इस तरह से इथाइल का केस हो गया, ये मिथाइल का केस हो गया। अब यहां पे बोलिएगा, सेकेंडरी का तो सबसे ज्यादा होता ही है, टर्सियरी का बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ज्यादा हो गया किससे, प्राइमरी से। क्यों, तो देखो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ये बल्कि ग्रुप था, बड़ा ग्रुप है जो क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को सील कर लेगा, निकलने नहीं देगा। जब निकलने नहीं देगा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, कम हो गया, इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसका सबसे ज्यादा हो गया। अब ये दोनों में कंपेयर करना है कि यहां पे बल्कि ग्रुप तो था ही, बड़ा ग्रुप तो था ही, साथ साथ इसका डोनेटिंग नेचर है, प्लस आई का काम करता है, ये ग्रुप जो है प्लस आई का काम करता है, एक साइड से बांध भी रहा है और दूसरा साइड से इसको बोलेगा इलेक्ट्रॉन्स देना भी है तुमको। तो जब करता क्या है, जब इसको कस के बांधे रखता है, टाइटली बांध ले रखा है, और इधर से डोनेटिंग नेचर भी है, मींस यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्केप कर जाता है। इसका मतलब इसका इससे ज्यादा हो जाता है, मैंने वन डिग्री से इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, थ्री डिग्री का ज्यादा हो जाता है। तो अब सिंपल सा ऑर्डर को ध्यान दे दो, ये एक्सेप्शन है, थोड़ा सा इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा कि अगर इथाइल का केस होगा तो 231A आपको याद रखना है, अगर मिथाइल का केस होगा तो 213A आपको याद रख लेना है। अब इसके बेसिस पे, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के बेसिस पे आप पीकेवी वैल्यू लिख सकते हैं, पीकेवी वैल्यू, और आप बोल सकते हो केवी वैल्यू क्या होगा, आप बोल सकते हैं पीओएच वैल्यू क्या होगा, आप बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा, ये सब बात आप यहां से बोल सकते हो, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड का केवी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, हाँ, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का हम बोलते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड का के वैल्यू क्या होता था, ज्यादा होता था। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में आपको क्या ध्यान दिए थे, याद करिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए लोग बोले थे एच प्लस आयन का वैल्यू ज्यादा होगा, दूसरा हम लोग बोले थे पीएच वैल्यू कम होगा, तीसरा बोले थे पीके वैल्यू कम होगा, और चौथा हम लोग बोले थे बाबू, चौथा हम लोग बोले थे के वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात किसके लिए बोले थे, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बोले थे। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आप ये समझो कि OH- माइनस का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा ना, OH- माइनस आयन का वैल्यू ज्यादा होगा। सेकंड में हम बोल सकते हैं POH वैल्यू क्या होगा, POH वैल्यू क्या हो जाएगा, तो POH वैल्यू कम हो जाएगा, और PH वैल्यू क्या होगा,
तो पीएच वैल्यू ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच वैल्यू ज्यादा होता है, क्लियर। अब इसके बाद आप बोल दो पीकेवी वैल्यू क्या होगा, पीकेवी वैल्यू क्या होगा, तो कम हो जाएगा, है ना, केवी वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस तरीका से आप इसको ऑब्जर्व कर लेंगे, थोड़ा सा सोच लेंगे, जैसे ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ही है, अगर हम पीएच ऑर्डर बोलते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच वैल्यू ज्यादा होता, मैंने यही हो जाता है। इसी तरीका से हम लोग बोल देते, अगर पीओएच ऑर्डर बोलते इसको रिवर्स कर देते, है ना, क्योंकि हमको पता है स्ट्रॉन्ग बेस का पीओएच वैल्यू क्या होता है, कम होता है। पीके भी वैल्यू ऑर्डर पूछता उसको भी हम कम कर देते। अब इसको थोड़ा सा हम एप्लीकेशन में लेते हैं कि आखिर कैसे ये हो जाता है। आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कर दो कि कोई बेस हम मान लेते हैं बीओएच है ना, बीओएच कोई बेस मान लेते हैं, बेस का नेचर क्या होता है बाबू, OH- आयन देता है, यहां से रिलीज कर देगा, क्लियर है। अब आप देखो इसका अगर हम KV वैल्यू लिखेंगे, इसका हम KV वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, B प्लस OH- डिवाइडेड बाई BOH। अब OH- आयन का वैल्यू ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बेस में OH- आयन का वैल्यू ज्यादा हो जाता है, KV वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, PKV वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, चूंकि आपको पता है, क्या पता है कि pH बराबर होता है नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी के जगह पे आप H ना रख के रख दो PKV रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ KV हो जाएगा, है ना। तो जो आप रख दो यहाँ पे K रख देंगे तो नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ KV हो जाएगा। इस तरीका से आप ये रिलेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आप आसानी से बना देंगे, क्लियर हो गया बात।